नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मनोज में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो प्रधानमंत्री के द्वारा सालाना 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं और ये प्रत्येक किसान को मिलने वाले हैं। अगर आपका नहीं आ रहा आपके अकाउंट में बैलेंस, तो आपको क्या करना है? अगर आपने ऑनलाइन नहीं करवाया है तो किस तरह से करवा सकते हैं? अगर आपका ऑनलाइन है तो आप किस तरह से उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आया या नहीं आया है? अगर आपका ऑनलाइन हुआ है तो रिजेक्ट हुआ है कि अप्रूव्ड हुआ है, वो भी हम बताने वाले हैं। सारा प्रोसेस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको चलना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट पर। और वेबसाइट पर आने के बाद हम सबसे पहले आपको ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे सिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले न्यू रजिस्टर फार्मर में जाएंगे यहाँ पे। और जाने के बाद यहाँ पे आप अपना आधार नंबर फिल कीजिएगा और नीचे आप कैप्चा फिल करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले आधार नंबर एक ले लेते हैं और नीचे कैप्चा फिल करते हैं। तो हमें यहाँ पे ऑनलाइन करना है। मुझे भी एक फार्मर है, किसान है, और किसान भाई को मदद करना बहुत ही ज़रूरी है। आप भी मदद कीजिए इस वीडियो को शेयर करके। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक हेयर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद रिकॉर्ड नॉट फाउंड विथ कीप डिटेल्स का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है आपके सामने, तो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। क्या इसका मतलब है कि इसका ऑनलाइन किया हुआ नहीं है। जिसका ऑनलाइन किया हुआ रहता है वहाँ पे कुछ अलग लिखा हुआ आता है, यहाँ पे आपको यस कर देना है। देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड विथ गिवन डिटेल्स, डू यू वांट टू रजिस्ट्रेशन ऑन पीएम किसान पोर्टल, ठीक है? यहाँ पे यस करना है। और यस करते ही आपके सामने ये किसान सम्मान निधि योजना का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप आ जाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और स्टेट के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप वहाँ पे चूज कर लीजिए। और यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे जो भी तहसील ब्लॉक है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद जो भी आपका गांव का नाम है, जो भी विलेज नेम है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना है आपको। और उसके बाद फार्मर, उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास है फार्मर नेम। यहाँ पे जो भी किसान का नाम है, या किसान हो या किसान की पत्नी हो, उसका भी ऑनलाइन हो सकता है। जेंट्स और लेडी दोनों कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक लेडीज का है, तो हमने यहाँ पे नेम टाइप कर लिया। यहाँ पे फीमेल हमने सेलेक्ट किया। और यहाँ पे कैटेगरी में जनरल ओबीसी दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एससी एसटी तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने जनरल और अदर पे सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे स्मॉल 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में इसका जो भी लैंड है, जमीन है, वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अगर उसके उससे ज़्यादा है, 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर से ज़्यादा उसका ज़मीन है, तो आप यहाँ पे अदर पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड डालना है, जो भी आपका बैंक पासबुक में लिखा हुआ रहता है आईएफएससी कोड, तो आपको यहाँ पे डाल लेना है। और डालने के बाद आप अपना जो भी बैंक नेम है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फिल कर लेना है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से फिल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप आसानी से किस तरह से इसे कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है और उसके आगे है हमारे पास एड्रेस। एड्रेस देखिए ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास। और उसके आगे है सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। जो भी हमारा आधार कार्ड का डिटेल्स जो हमने फिल किया है वो सही या गलत है, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। और क्लिक करने के बाद कुछ टाइम लेता है। इसके बाद देखिए, यस, आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली, ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। और आगे हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे फादर्स या फार्मर या हस्बैंड नेम यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना। तो सबसे पहले हम मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करने वाले हैं। जो भी उसमें आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है आप यहाँ पे डाल लेना है। और उसके बाद जो भी उसका पति का नाम है या पिता का नाम है आप यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसका पति का नाम जो भी है यहाँ पे हम फिल करने वाले हैं।
यहाँ पे हमने टाइप कर लिया है उसका जो भी फार्मर का पति का नाम है, और यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जो भी आपके पास जमीन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे डालना है, जैसे कि खाता नंबर, जो भी खतियान में आपका दर्ज है खाता नंबर यहाँ पे आपको डालना है, और खेसरा नंबर यानी प्लॉट नंबर भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे खाता नंबर, उसके आगे प्लॉट नंबर डालना है, और आगे क्षेत्रफल एरिया, जो भी आपके एरिया क्षेत्रफल है जमीन का वो वहाँ पे फिल करना है। आप अगर आपका खतियान है तो वंशावली के अनुसार आप देख लेंगे कि आपका हिस्से में कितना जमीन आता है, और उसे हेक्टेयर में चेंज कर लेना है और यहाँ पे फिल करना है। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि आप किस तरह से हेक्टेयर में चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे क्षेत्रफल हमें पहले से निकाला हुआ नहीं है, और यहाँ पे हम आपके सामने निकाल के दिखाएंगे कि किस तरह से हेक्टेयर में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा निकाला हुआ था, हमने यहाँ पे डाल लिया, और दूसरा जो हमने ऐड करेंगे उसमें हम आपके सामने निकाल करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप हेक्टेयर में चेंज कर सकते हैं। अगर एकड़ में ज़मीन है तो आप उसे आसानी से हेक्टेयर में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फिर से ऐड पे क्लिक करते हैं, और ऐड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर से आ चुका है। हम यहाँ से फिर से खाता नंबर डालेंगे, और फिर से हम यहाँ पे खेसरा नंबर डालेंगे यानी प्लॉट नंबर, और फिर हम एरिया क्षेत्रफल निकालेंगे हेक्टेयर में। तो चलिए यहाँ पे फिर करते हैं हम खाता नंबर पहले। तो हमने खाता नंबर फिल किया, और यहाँ पे प्लॉट नंबर, और यहाँ पे हम यहाँ पे ज़मीन निकालने वाले हैं, जो भी है वो हमारे यहाँ पे डिसमिल में है, और इसे हमें हेक्टेयर में चेंज करना है, डिसमिल एकड़ जो भी है। तो हमारे यहाँ पास यहाँ पे यानी 1.2 एकड़ का ज़मीन है, उसको हम तीन भाग में बांटेंगे, क्योंकि ये वंशावली के हिसाब से तीन भागों में बांटना है, और इसके बाद फिर से तीन भागों में बांटना है, और इसके बाद फिर से दो भाग में बांटना है। तो चलिए आप फिर भागा दो करते हैं यहाँ पे, और इसके बाद जो भी आएगा उसके हिस्से में उसको 0.45 से इंटू कर देना है। तो यहाँ पे हम फिर से ये हमने भाग किया, और फिर यहाँ पे हम दो से भाग लगाएंगे। देखिए ये हमारा आ चुका है, इसके हिस्से में इतना है। अब इसको हेक्टेयर में चेंज करने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा 0.405 से हम इंटू करेंगे इसको, और इंटू करने के बाद जो भी हमारे पास डेटा आता है वो हमारा हेक्टेयर में चेंज हो जाता है, और ये हमारे पास जो भी डेटा है वो हमारे हेक्टेयर में है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 0.027। तो हमने यहाँ पे अब फिर से ऐड ओके ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास जितना भी ज़मीन है सबका अलग अलग खाता नंबर, खेसरा नंबर, सब खाता नंबर अलग है, तो आप उसे अलग कर सकते हैं और अलग अलग से आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो खाता नंबर का फिल कर चुके हैं, और यहाँ पे तीसरा फिर हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे फिर से हम खेसरा नंबर डालने वाले हैं यानी प्लॉट नंबर, और यहाँ से फिर इसको एरिया, जो भी एरिया क्षेत्रफल है इसका फिर निकालेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 एकड़ का यहाँ पे हमारे पास ज़मीन है, इसको सबसे पहले तीन भाग करेंगे, और तीन भाग में हमारे पास आ गया। फिर से तीन भाग करेंगे, और तीन भाग करने के बाद इसके बाद फिर से हम दो भाग करेंगे। ये वंशावली के हिसाब से है, यानी इसका इतना इसके हिस्से में आ रहा है, इसको हम हेक्टेयर में चेंज करेंगे 0.405 से हम इंटू करेंगे, और यहाँ पे हमने इंटू कर दिया है। ये देखिए हमारे पास इतना आ चुका है, 0.1575, 0.1575 आ चुका है, और यहाँ पे हम ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, सारा डिटेल्स हमने फिल कर लिया है। अब आगे यहाँ पे आपको आई सर्टिफाई दैट ऑल द गिविंग डिटेल्स आर कॉन्टैक्ट करेक्ट, ठीक है, इसको यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए हमारे पास जो भी सक्सेसफुली है वो हमारा काम हो चुका है, और हमारा जो ऑनलाइन हुआ है उसे हम चेक करेंगे। किस तरह से हमें चेक करना है उसे भी हम बताने वाले हैं।
आप आधार नंबर से आसानी से चेक कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं और हम चेक करके देखते हैं कि हमारा जो भी ऑनलाइन हुआ है वो शो कर रहा है या नहीं। तो ओके पे क्लिक करते हैं और फिर चलते हैं फार्मर सेंटर, और फार्मर सेंटर के जो सबसे नीचे जो देखिए यहाँ पे दिखा स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन SC ST फार्मर का ऑप्शन जो भी यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पे आपको आधार नंबर पहले फिल करना है जो भी आपने फार्मर का रजिस्ट्रेशन किया है उसका, और नीचे जो भी कैप्चा है उसे कैप्चा फिल कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे डालते हैं जो भी हमारे पास है आधार नंबर, जो हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया है उसका आधार नंबर हमने यहाँ पे फिल किया और यहाँ पे कैप्चा फिल कर रहे हैं। और आप जिस तरह से यहाँ पे कैप्चा लिखा हुआ है उसी तरह से आप यहाँ पे फिल करेंगे और इसके बाद सर्च पे आपको क्लिक करना है। चलिए हमने यहाँ पे कैप्चा फिल कर लिया है और हमने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया, और सर्च पे क्लिक करते ही देखिए हमारे पास ये आ चुका है जो भी है फार्मर नेम का आपके सामने दिखाई दे रहा है, अकाउंट नेम का लास्ट डिजिट दिखाई दे रहा है, और देखिए यहाँ पे मार्क्स में दिखाई दे रहा है पेंडिंग फॉर ये अप्रूवल एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जैसे ही ये अप्रूवल मिल जाता है आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। ये पूरे 4 किस्त में आता है, जो भी किस्त है पूरे 6,000 रुपये आते हैं, दो दो 1,000 रुपये करके, तो ये 3 किस्त में आता है पूरे पैसे, और अभी तक 5 किस्त मिल चुका है टोटल। अगर आपका ऑनलाइन किया हुआ है तो आप किस तरह से चेक करेंगे यहाँ पे देख लीजिए। आपको जाना है फार्मर सेंटर में, वहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन दिखाई बेनिफिट स्टेटस, और इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे, अकाउंट नंबर फिल करेंगे या मोबाइल नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार नंबर फिल करने वाले हैं, यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। देखिए इसका अप्रूवल मिल चुका है और ये अप्रूवल मिलते ही कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, पांचों इंस्टॉलमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा तो आपके सामने वहाँ पे डेट और पैसे वगैरह सब कुछ दिखाई देंगे, और सेकंड मिलेगा सेकंड में दिखाई देंगे। अभी तक टोटल 5 इंस्टॉलमेंट मिल चुका है किसानों को, और इस किसान को अभी तक एक भी स्टेटस में दिखाई नहीं दे रहा है कि इसका मिला हुआ है। तो जैसे ही आपको मिलेगा ये ऑनलाइन जो किया हुआ है ये पीछे किया हुआ था इसीलिए इसका अभी तक पैसे नहीं आए हैं, कुछ दिन में इसका भी पैसे आने वाले हैं और इसका भी पैसे आ जाएंगे। तो दोस्तों आप इस तरह से आसानी से चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन किया हुआ नहीं है तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। क्रोम ब्राउजर में जाना है आपको और वहाँ पे आपको किसान सम्मान निधि की वेबसाइट में जाना है, और जाने के बाद 3 डॉट के कॉर्नर पे क्लिक करके आप पहले डेस्कटॉप मोड पे क्लिक कर लेना है और वहाँ से आप आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय।